कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें और कुछ ये इंतज़ार, यही सब है हमारे इस शो में जिसका नाम है रंगे महफिल। और जैसा रेनबो के हर शो का इंतज़ार आप हर रोज़ करते हैं, इस शो का इंतज़ार भी आप हर रोज़ करते हैं, तो चलिए देर किस बात की, खूबसूरत गज़लों का, कव्वालियों का ये कारवां शुरू हो गया है। कहाँ? जी हाँ, रेनबो इंडिया पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। उस जिंदगी से कैसे सितम को गिला करें, जिस बहका दिया मौसम
देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें।
एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान। की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर। डाबर हानि के फायदे हैं मेरी फायदे मेरी डाबर हानि। वेट कंट्रोल करना है, डाबर हानि खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हानि खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हानि के फायदे हैं मेरी फायदे मेरी डाबर हानि। फायदा नंबर वन, करेगा इम्यूनिटी बूस्ट। फायदा नंबर टू, करेगा स्टैमिना इंप्रूव। फायदा नंबर थ्री, करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हानि के फायदे हैं मेरी फायदे मेरी डाबर हानि। मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जन भागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक FM रेनबो 102.6 पर। FM रेनबो 102.6। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रंगे महफिल ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी रेनबो इंडिया पर। जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा सफर है ना, जो हर रोज यूं ही बड़ा खूबसूरत सा रहता है, क्योंकि इसमें आप जुड़ जाते हैं और उसके बाद गजलों और कव्वालियों का ये रास्ता इससे होते हुए गुजरता है, ये रास्ता, ये वक्त बहुत ही सुकून वाला होता है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहाँ है सुकून? हमेशा हम परेशान रहते हैं, अब ये काम करना है, अब ये भूल गए, अरे वो भी करना है, ऐसे भी जाना है, वहाँ रुकना है,
सिर्फ और सिर्फ भागम भाग। लेकिन रात का ये वक्त, रात का ये जो तन्हाई का वक्त होता है ना, ये हमारे अपने लिए होता है और इसमें बहुत सी बातें हम खुद में ही सोचते रहते हैं, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, कुछ इस तरह से ये रास्ता यूं ही कटता रहता है ना। चलिए एक और गजल मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, जगजीत सिंह जी की आवाज़ के बिना गजलों की जो महफिल है वो अधूरी सी लगती है, इसीलिए उनकी ये गजल मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ। और ये ज़रूर कहूँ कि ये बड़ा सख्त मिजाज है वो शख्स भी, उसे याद रहता है कि मुझे याद नहीं करना। सुनते रहिए रेनबो इंडिया।
जी पाएंगे, भूल कर तुमको न जी पाएंगे, साथ तुम होगी जहां जाएंगे। हम कोई वक्त नहीं है हम दम, जब बुलाओगे चले गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, चार रन खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। FM Rainbow 102.6 कोई फरियाद
कैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते कटी हो जैसी जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं मैं सिर्फ साथ देने आया हूं मुझे देख रही हो
किस तरह पहरूं तुझे सोचता रहता हूं मैं, किस तरह पहरूं तुझे सोचता रहता हूं मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखे हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जागते जागते कटी हो जैसी, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, मोहब्बत का सफर है,
बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर जी हाँ, मोहब्बत का सफर आसान थोड़े है। यही एक वो रास्ता है जिस पर चलते चलते आप रुकना भी चाहते हैं लेकिन रुकते भी नहीं हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही इश्क होता है। बहरहाल समय जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। समय रुकता कहाँ है किसी के लिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि समय बहुत जल्दी जल्दी निकल गया है ना, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ ही वक्त तो गुजरा है उस बात को जो शायद कुछ सालों पहले बीत चुकी है ना। वक्त की खासियत ही ये है, चलता रहता है और पता नहीं रहता कि कब गुजर गया। एक और गजल मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, अदनान सामी की आवाज़ में, और बहुत ही अलग तरह का इनके गाने का अंदाज है, और लेकिन जब वो गाते हैं तो सच में लगता है कि सुनते रहिए, सुनते चलिए, है ना। चरागे राह की किस्मत पर आता है रहम भी, चरागे राह की किस्मत पर आता है रहम भी, हवा के जोर से लड़ना भी और जलना भी। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेनबो इंडिया।
तेरा चेहरा है आईने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्यों ना देखूं मैं देखने जैसा, तेरा चेहरा जी हाँ, ये वक्त देखिए कैसे गुजर जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। बहरहाल आपसे ले रही हूँ इजाजत, लेकिन करके एक वादा जा रही हूँ कि बहुत जल्द मिलूंगी आपसे, फिर होगी मुलाकात, ढेर होंगी बातें, लेकिन आप हमेशा सुनते रहिए रेनबो इंडिया। टेक केयर, बाय बाय।
बात फूलों के पिछड़ी रात बात फूलों के मिल